बुलेट कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है भाई, ये चीजें आपको माननी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अब्दुल रहमान फ्रॉम एसएसजी मोबाइल। सो गाइस, क्या हालचाल, एकदम मजे में, फिट फॉर टाइटन। थंबनेल तो आप देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में किस चीज के रिलेटेड बात करने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं, उससे पहले भाई पसीना वगैरह से माजर करना, क्योंकि पाकिस्तान में भाई बहुत ज्यादा गर्मी है और लोड शेडिंग को आपको पता ही है, यहाँ पे बिजली आती ही नहीं है। चलिए आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। आज की वीडियो में जिस डिवाइस का रिव्यू करने वाला हूँ, ये है मोटोरोला 1 5G। यहाँ पे हमें इसकी 4GB रैम देखने को मिलती है, 64GB बिल्ट-इन मेमोरी देखने को मिलती है, स्नैपड्रैगन 765 5G की सपोर्ट देखने को मिली है। डॉलर के अब जाने से पहले की मैं इस डिवाइस की बात करूं तो 25 से 30 हजार रुपए में पाकिस्तान में इससे बेस्ट डिवाइस आपको देखने को नहीं मिलती थी। मौजूदा कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए बात करूं भाई, अगर आपको ये 40 से 45 के करीब भी मिलती है ना ये डिवाइस, इससे बेस्ट आपको डिवाइस कोई नहीं मिलनी। बेशक आप सैमसंग चले जाए, वीवो चले जाए, एम आई चले जाए, इन्फिनिक्स चले जाए, इस कदर पावरफुल चिपसेट आपको 40 से 45 की रेंज में न्यू मॉडल किसी में भी देखने को मिल जाएगा मौजूदा टाइम पे। आज की वीडियो में स्पेशली जो है वो गेमर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे जो मिडिल क्लास या बिगनर बंदे हैं वो डायरेक्टली 1 लाख या 70-80 हजार अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो ढूंढते हैं 40 से 50 हजार की रेंज में बेस्ट पबजी मोबाइल इन पाकिस्तान। तो भाई ये आप लोगों के लिए है। आज की वीडियो में मैं इस पर पबजी टेस्ट करके देखूंगा क्या क्या ग्राफिक है, किस तरह के सपोर्ट करते हैं, कैसी परफॉर्मेंस है, जायरो सपोर्ट करता है कि नहीं, ओवरऑल चीजें यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं डिवाइस के डिस्प्ले की बात करता हूँ। तो इस टाइम जो मेरे पास ये डिस्प्ले, इसका टच ग्लास जो क्रैक है, इस कंडीशन में भी आपको ये डिवाइस पाकिस्तान में सस्ती मिल जाएगी 25-30 हजार रुपए में। आपका 3 से 4 हजार रुपए इसका टच चेंज करवाने का खर्चा है, तो आपको एक किस्म की डिवाइस फ्री में पड़ जानी है, ठीक है। इससे ज्यादा तगड़ी आपको डिवाइस नहीं मिलेगी। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 6.7 इंच का यहाँ पे हमें इसका डिस्प्ले साइज देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा डिस्प्ले साइज भी है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात कर लेता हूँ, तो डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080x2520 पिक्सल यहाँ पे इसके डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिलते हैं। मेन चीज इस डिवाइस में चिपसेट भाई, स्नैपड्रैगन 765 5G की इसमें हमें चिपसेट देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। बैक साइड पे 3 कैमरा लेंस देखने को मिलते हैं, काफी अच्छी आपको जो है वो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस डिवाइस की बैटरी, तो 5000 mAh की इसकी यहाँ पे हमें बैटरी देखने को मिलती है। तो हम बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सीधा आएंगे इस पे पबजी पर, पबजी प्ले करके देखते हैं पबजी के क्या ग्राफिक्स सपोर्ट करता है, कैसी परफॉर्मेंस इसमें हमें देखने को मिलती है पबजी के हिसाब से। यहाँ पे अगर बैटरी की बात करूँ तो अभी 77% इसकी बैटरी है, पबजी यहाँ पे जो है हमारी प्ले हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको इस डिवाइस के ग्राफिक दिखाता हूँ, ग्राफिक में आ जाए, स्मूथ के साथ अल्ट्रा, बैलेंस के साथ अल्ट्रा, एचडी के साथ हाई, एचडीआर का ऑप्शन इसमें नहीं है। इसमें आ जाते हैं जायरोस्कोप, ऑलवेज का ऑप्शन इसमें हमें देखने को मिलता है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, जायरो सपोर्ट करती है डिवाइस। यहाँ पे हम टीडीएम का एक मैच प्ले करते हैं, टीडीएम के मैच में तकरीबन डिवाइस दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है इस कदर भाई। सुबह सुबह का टाइम भी ऐसी लेवल लो भी आए तो बस फिर बंदा क्या करेगा। जायरो ठीक है भाई, जायरो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, जायरो में डिले देखने को नहीं मिला, बरल डिवाइस थोड़ी बहुत लैगी महसूस हो रही है। ग्राफिक लोबी से ये स्मूथ के साथ उल्टा चल रहा है, पर ग्राफिक हाई लेवल के आ रहे हैं, पर लैगी जो फील करवा रहा है ना वो काम थोड़ा सा खराब कर रहा है। यहाँ पे हम उठाएंगे 1.4 दे रहा, टीम आ गया, बुलेट कनेक्टिविटी ओपी है डिवाइस की। भाई लाजवाब जायरो बड़ा वीआईपी वर्क कर रहा है इस वेस पर, कोई डिले नहीं जायरो में। भाई एमएस गई मेरी, जायरो डिवाइस का बहुत प्यारा वर्क करता है भाई, ये चीजें आपको माननी पड़ेगी कि जायरो डिवाइस का बहुत ज्यादा प्यारा वर्क करता है और परफॉर्मेंस बड़ी प्यारी है। मैं हीट वाले रूम में कह रहा हूँ, हीट होके लैग हो रहा है, उसके अलावा तो परफॉर्मेंस सोचो कैसी होगी कूलिंग रूम में। बुलेट कनेक्टिविटी बहुत प्यारी यार, हेड पकड़ दिया डिवाइस सीधा, पर अगर आप उम्मीद है कि स्कूल जगह पे खेलोगे तो ये अच्छा वर्क देगा आपको।
ओ भाई तीन दिन बंदे सीधा मुंह पे आ गए। देखिए कवर के अंदर, नहीं तो इतनी FPS वाले डिवाइस पे जो है FPS काम नहीं करते। ये FPS अपने फुल 40 FPS लाइक फील करवाता है, 40 FPS लाइक अपने फील करवाता है भाई। इस कदर हैवी डिवाइस हूँ मैं। लो भाई लॉबी अच्छी थी, बंदे भी अच्छे आए, फुल गेम प्ले आपके सामने यहाँ पे दिखाया, बहुत हैवी किस्म की यहाँ पे परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। लाइक आपको डिवाइस फील ही नहीं करता कि भाई आप इस डिवाइस में खेल रहे हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और जायरो सबसे मेन चीज, जायरो डिले जीरो था, जायरो का डिले इसमें मुझे देखने को ही नहीं मिला। काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है यहाँ पे जायरो ने भी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये डिवाइस मिलती है 30-35 के हिसाब से मौजूदा दौर में, तो इससे बेस्ट डिवाइस कोई भी नहीं है यार। बेस्ट डिवाइस है पबजी के हिसाब से भी, ओवरऑल के हिसाब से भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।